गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी के सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। तो मैं आप लोगों के साथ, हमारे कैंडिडेट हैं जो करंटली आर्यव्रत बैंक में एज अ स्केल वन ऑफिसर एज अ पीओ वर्क कर रहे हैं। इस साल की ही ज्वाइनिंग है उनकी। पहली सैलरी स्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सैलरी स्लिप देखने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट, ये 31 डेज या 30 डेज की सैलरी स्लिप नहीं है, ये 26 डेज की है। तो थोड़ी सी कम दिखेगी, बट मैं आपको बता दूंगा कि ग्रॉस अर्निंग क्या रहती है अगर पूरे महीने की एक 31 पेबल डे का क्या ग्रॉस अर्निंग रहता है एक आरआरबीपीओ का। अब आरआरबीपीओ की सैलरी स्लिप ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि आप में से काफ़ी लोग आरआरबीपीओ प्री का एग्जाम दे चुके हैं, और जो नेक्स्ट इनसाइट जो साइट पे है, जो हमें जिनका टेंटेटिव डेट पता है, वो है आरआरबीपीओ मेंस का जो 25 सितंबर। तो आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन रहेगा कि यार और अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो बातचीत खूब हो चुकी है, लेट्स सी द सैलरी स्लिप। जैसे मैंने कहा, आर्यव्रत बैंक के लिए स्केल वन असिस्टेंट मैनेजर जिसे कहते हैं डेजिग्नेशन, वो है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं 5/7/2021। राइट टॉप में आर्यव्रत बैंक आपको दिखाई देगा। अब एक बार जल्दी जल्दी से फटाफट से अर्निंग्स के एलिमेंट्स देख लेते हैं। बेसिक पे 33,354 ही क्यों है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पूरे 31 डेज का नहीं है, 26 डेज का ये पेबल सैलरी स्लिप है, इसलिए अर्निंग्स में एलिमेंट्स थोड़े थोड़े कम देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रॉस अर्निंग पे आ जाओ, 48,000 आपको देखने को मिल रही है। ये जो आपको 48 दिखाई दे रहा है, अगर पूरा महीने का रहता है तो ये 55,000 के अराउंड रहता, 55,000 और समथिंग। पहला महीना है तो जनरली डिडक्शन में कुछ डिडक्शन होता नहीं होता है, तो भी प्रोफेशनल टैक्स का या इनकम टैक्स का ही रहता है, और वो इनके केस में कोई डिडक्शन नहीं है। जितनी ग्रॉस है उतनी ही नेट सैलरी क्रेडिट की गई है। तो 48,067 इनकी ग्रॉस थी, तो क्रेडिटेड सैलरी भी 48,067 ही है क्योंकि जीरो का डिडक्शन है। बाकी आगे महीनों में धीरे धीरे करके डिडक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पेंशन फंड का डिडक्शन रहेगा, इनकम टैक्स का है, बाकी कुछ एडवांस लेते हैं, फेस्टिवल एडवांस वगैरह, छोटे मोटी चीज़ों का रहता है, बट मेजर पेंशन फंड का ही डिडक्शन रहता है जो इस बार इनको देखने को नहीं मिला। अब 100 बात की एक बात ये है कि 55,000 की ज्वाइनिंग पे ही सैलरी मिलना, एक ऑफिसर पोस्ट होना जिसमें आप ब्रांच को संभाल रहे हो, एक रुतबा होता है, एक आप लोगों की एक प्राइड जो फील करते हो उस पोस्ट पे होने की, उस पोजीशन पे होने की, वो अलग ही है अदर देन दी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यू विल गेट, जो बहुत अच्छे हैं अपने आप। ठीक है, तो पूरी जान लगा दीजिए। आरआरबीपीओ प्री में ऑलरेडी बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है, आरआरबीपीओ मेंस भी बहुत अच्छे से करना है, तो उसके लिए कल से क्लासेस वैसे स्टार्ट हो रही हैं। मेंस की क्लासेस हैं, साथ साथ प्री को भी हम मेंटेन में करते हुए चलेंगे। इतनी अच्छे से तैयारी की है तो उसको क्यों नीचे आने दें, क्यों? तो उसके लिए एक छोटा सा सजेशन मेरी तरफ से, बिल्कुल फ्री सजेशन है, आप चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्री ईबुक्स का ये सजेशन रहेगा और ऑलिव बोर्ड की तरफ से ये सजेशन आ रहा है। लिंक मैंने इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इनके डिफरेंट डिफरेंट मेंस की प्रिपरेशन के लिए, बाकी आपकी क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए फ्री ईबुक्स अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा लिंक पे क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर कर रखा है तो सीधा वो आपको उस जगह पे ले जाएगा, नहीं तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा। फ्री रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी वगैरह डाल के हो जाएगा आराम से, और वहां पे जाके आपको खूब सारी फ्री बुक्स मिलेगी। अगर आप चेकआउट करना चाहें वहां से, कंप्यूटर के सोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई आप इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए, कोई रीजनिंग स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, फ्री बुक्स है। तो जरूर जाके एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, मेरी बात मान के, क्या पता कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाए जिसकी आप काफी समय से ढूंढ रहे होंगे, तलाश होगी कोई स्पेसिफिक चीज की, और फ्री बुक्स के सेक्शन में, ऑलिव बोर्ड के सेक्शन में आपको मिल जाए। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा लिंक पे क्लिक कीजिएगा और एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, कुछ अच्छा मिले तो बढ़िया, नहीं तो फ्री बुक्स ही है, कौन सा आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो फिर आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।